हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए हमें देखिए फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 क्लास नाइन्थ का यहाँ पे मैथमेटिक्स का मैं आंसर लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो चुका हूँ। तो फटाफट से आप लोग हाजिर हो जाएं, यहीं से आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन होगा वो आने वाला है, एक भी आपके यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए मैथ्स का एकदम रियल वाला है, 100 मार्क्स का। यहाँ पर संख्या 1 से 60 तक क्वेश्चन, 19% जिसमें से आपको 50 को ही मतलब जवाब देना है, लेकिन मैं आपको 60 ही क्वेश्चन टोटल बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा इस बात का, ठीक है। एक का जो है आपका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन होगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पाई का सन्निहित मान कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी 22/7 हो जाएगा। तीन देखिए, बहुपद -2x² + 3x³ + 7 का घात क्या है, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 का वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जिसका घात यानी पावर अधिक होता है वही आपका अधिक मान वाला घात कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन 2/3 का दशमलव प्रसार है, तो 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 का बी, 0.6। पाँच देखिए, a² - b² क्या होता है, तो a + b * a - b यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर, आंकड़े 10, 15, 39, 24, 36, 89, 55, 60 का प्रेशर क्या होगा, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा परफेक्ट और राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी 79 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड x - 4 हो, तो p = 4 है किसके बाबू, तो इसका जो आपका सही जो जवाब हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ई होगा, 0, ठीक है। चलिए हाँ, जो इधर जो पी जो है कहाँ गया, ये पी जो इधर आएगा बराबर का, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में 105 डिग्री का संपूरक कौन कौन है, तो 8 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैं बड़ा कर लेता हूँ, वर्ग अंतराल 30 से 6 में निम्न सीमा कौन है, तो 30 का होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 का। अगर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 87/11 × 7 + 10 में शेष फल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना समकोण होता है, तो 11 का आपका इसे जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। अगला देखिए, 12, किसी वर्ग का 1/2 ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा उस वर्ग का क्या कहलाता है, तो वर्ग ची कहलाता है, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देखिए 13वां क्वेश्चन, 0, 20, 20 से 40, 40 से 60 कैसा वर्ग अंतराल है, तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अतिव्यापी। तो देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो 100+b + c हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, 15 नंबर है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बाबू बहुपद नहीं है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, बहुपद हमें से कभी भी रूट में नहीं होता है, 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं ना, पावर पावर में नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई निम्नांकित में कौन सी होगी, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सेंटीमीटर वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों को काटा गया है, बताइए 27 घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन है, तो 27 का आपका जो सही मतलब 17 का सही जवाब कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 162 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 18वां क्वेश्चन की देखिए, कर बहुपद पी एक्स जो है x - 1 × x + 1 के लिए p1 का मान होगा, तो 18 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 0। अगला 19वां सवाल देखिए, दिए गए चित्र में यदि बी सी तथा ए बी बराबर ए सी, तो कौन सी का मान क्या है, तो निम्नलिखित कौन होगा, तो 19 का सही जवाब कौन होगा बाबू, 19 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक, 70 डिग्री। 20 देखिए, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो 20 का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 60 डिग्री। अगला 21 देखिए, एक घनाकार बक्से का विकर्ण 3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा, तो 21 का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यों। 22 है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है,
होने पर उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, लेकिन कोना का तो 22 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। 24 देखिए, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहने से हो जाएगा। ठीक है, समुद्र भुजाओं का युग्म समांतर समांतर लंबाई होता है। अगला 25 नंबर सवाल देखिए, 25 का मैं आपको बता दूं, अभी तक चैनल पर नहीं चाहूँ सब्सक्राइब फटाफट से, इसी तरीके से आपको हमेशा हेल्प मिलता रहेगा। 25 देखिए, 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर। 27 देखिए, संग्राहित आंकड़ों में किसी पद की पुनरावृत्तियों की संख्या उस पद की क्या कहलाती है, तो 27 का बाबू ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बारंबारता। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर, यदि 3.7x और 15 का माध्य 25 हो तो x बराबर है, तो यहाँ पे 28 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 75। 29 के घना में कितने किनारे होते हैं, तो घना में जो है 4 किनारे होते हैं, 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद मानक रूप है, तो 30 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, तो 31 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 31 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक पति देखिए, एक बिंदु का भू ऋणात्मक है, यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा, तो ऋणात्मक है तो वाई अक्ष के बाएं ओर अवस्थित होगा, बिल्कुल नहीं, एक्स अक्ष के नीचे, वाई अक्ष के दाएं, वाई अक्ष के बाएं, बिल्कुल यहाँ पे 32 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 32 का बी होगा। ठीक है, वाई अक्ष के बाएं। अब देखिए, 23 नंबर सवाल कर चलते हैं, 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का निरूपण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 देखिए, 24 में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला 25 नंबर सवाल देखिए, बहुपद 3y³ - 13y² + 7y + 5y² गुणांक कौन है, तो -13 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 36 बहुपद p(z)^(z)^4 - 3 का घात होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसका घात जो हो जाएगा पावर गुणांक में जुड़ता है, 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बाबू, 36 का डी हो जाएगा। अगला सवाल कर हम लोग चलते हैं, 37 वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो कोटि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, मानिए देख लीजिए, बहुपद x²-3x - 7/8 में अचर पद कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 7/8 हो जाएगा, सी, 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, एक बिंदु को निर्देशांक -1.3 है, तो यह किस क्षेत्र तारीख में, तो तृतीय ऑप्शन नंबर 39 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, दो अशांत कोण रेखीय युग्म होते हैं, यदि और केवल यदि वे होंगे, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूरक कोण। 41 है, प्रथम पाद में किसी बिंदु में भूत का चिन्ह होता है, तो प्लस होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, 41 का ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 42 बगल के चित्र में x बराबर है, तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, 18 डिग्री। 43 नंबर सवाल देखिए, 43 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं। 44 निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद इसमें से कौन हो जाएगा, पावर में है, तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद में है, बहुपद में है 44 का, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 45 का आपका सही जवाब कौन हो जाएगा, 45 का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 46 देख लीजिए, 46 नंबर सवाल, 46 का आपका जो सही जवाब कौन होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 देख लीजिए, बिंदु मानसिकार को मिसाल में भुजा कौन है, मानसिकार ऑप्शन नंबर ए होगा, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 48 सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, तो यहाँ पे 48 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 4। 49 देखिए, निम्नलिखित में कौन विषम संख्याओं का रूप है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है, एम प्राकृतिक विषम संख्या, तो एम प्लस वन, 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, एम प्लस वन। अगला सवाल की ओर चलते हम लोग, 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल, 50 का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर। 51 देखिए, 51 का आपका सही जवाब कौन हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2-1। 52 देखिए, 52 का आपका जो सही जवाब कौन होगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, 52 का ऑप्शन नंबर ए -2 हो जाएगा। ठीक है, 53 देखिए, द्वितीय पाद में x, y नियामक का चिन्ह होगा, द्वितीय पाद प्रथम पाद द्वितीय, तो धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 53 का ऑप्शन नंबर डी होगा, द्वितीय पाद x, y नियामक का होगा,
एक्स का वाई यहाँ का ची होगा ना, तो प्लस माइनस यानी कि धनात्मक हाफ होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी होगा। द्वितीय पाद में एक्स कमा वाई नियामक का ची होता है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर 53 का बी, 53 का क्या है बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 54 की परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो अशांत अनावर्ती होता है, 54 का सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का हम लोग चलते हैं, लेकिन कौन अपरिमेय संख्या है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा ठीक है। 9/27 रूट अंडर। अगला 56 देखिए, रूट 0.5 रेकिंग जो है काफी बटे क्यू के रूप में मान होगा ठीक है, तोड़िएगा तो यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा बटे में, तो 56 का ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा ठीक है। 4 आंसर 56 का ए हो जाएगा 5/9। 57 देखिए, 57 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 57 पी के किस मान के लिए, एक्स माइनस वन कमा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 के गुणनखंडों का, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। 58 देखिए, 58 किसी बिंदु के अनुसार 5.0 है, तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित है, तो 5.0 तो एक्स अक्ष पर अवस्थित है, 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 का कौन सा सही जवाब होगा कि एक्स एक्स पे जीरो डिग्री एक्स जीरो निम्नलिखित में एक्स पे पावर जीरो निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो 59 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीरो के। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, कौन ए ओ बी रेजू कौन होगा यदि कौन ए ओ बी बराबर है, तो 60 का आपका सही जवाब कौन होगा, 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा। या मैंने पूरा आपको बता दिया, आप बता आती है कि इसका सब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करें, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आपको सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी स्टेम POINT पॉइंट स्पेस OF स्टडी STUDY स्टडी और आपको STM लिखना है, इस तरीके से उसको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टडी है, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अगला पेज हमारे सामने इस तरीके से खुल जाएगा, हमको ऊपर की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की ओर चला आना है बाबू, 9th क्लास के ऑप्शन में, यहाँ पे वही कॉलम होगा क्लास 9th वाला, क्लास 9th के प्रथम साधक परीक्षा का सभी क्वेश्चन मालूम हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो अगला पेज खुल जाएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करके आप लोग आइएगा ठीक है नीचे, और यहाँ पे देखिए आइएगा तो यहाँ पे 9th ऑल फर्स्ट टर्म एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग है, जिस भी सब्जेक्ट का चाहते डाउनलोड करना उस पर क्लिक कीजिएगा। तो हमारा ये मैथ है, तो मैथ के सामने क्लिक है ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज हमारे सामने इस तरीके से खुल जाएगा, हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन इस प्रकार से कर लेंगे और यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ देखिए यहाँ मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर किया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, अपडेट कर दिया गया यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथ नीचे दिए गए लिंक से आप मैथ का क्वेश्चन पेपर आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैथ सब्जेक्ट आंसर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज हमारे सामने इस तरीके से खुल जाएगा, हमको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन इस तरीके से करना है और आ जाना नीचे, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड सब्जेक्ट आंसर के पीडीएफ, यहाँ पे सब्जेक्ट डाउनलोड वाला है, क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए। जैसे पे क्लिक करेंगे परमिशन मांगेगा, ओके कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपसे शुक्रिया।